ये हमारे पास डिजिटल काउंटर है, इसके ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं किसी भी इनकोडर के पल्सेस को। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम ऑन करने का देखेंगे, ऑन कैसे होगा ये। तो ऑन करने के लिए यहाँ पर हम इसके डायग्राम को देखेंगे बनी हुई। तो यहाँ पर ये देखें, पिन पॉइंट नंबर वन, एक नंबर टर्मिनल जो है और दो नंबर, इन दो पे लगाएंगे तो 110 वोल्ट हम इसको इनपुट देंगे। अगर एक और तीन पे लगाएंगे तो 220 वोल्ट इनपुट देंगे। पाकिस्तान में चूंकि 220 वोल्ट ही चलता है, तो इस वजह से हम एक और तीन पे इसकी वायर को लगाकर इस डिजिटल काउंटर को ऑन करेंगे। इसका मॉडल नंबर भी देख सकते हो, CA41P, ये मॉडल नंबर है। ये पल्स काउंटर है, पल्स को काउंट करते हैं कितने पल्सेस इनकोडर, कोई भी इनकोडर कितने पल्सेस ले रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी पिन नंबर वन और पिन नंबर थ्री है। यहाँ पर हम लाइन को लगाएंगे तो 220 वोल्ट से ये ऑन हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर पिन नंबर वन और पिन नंबर थ्री पर लाइन दे दी 220 की। अब हम इसको ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा डिजिटल काउंटर ये ऑन हो गया और इसमें पहले से पल्सेस इसमें चल रहे हैं। अब हम इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं, और ज़ीरो करने के लिए इसका ये बटन जो है इसको प्रेस करना पड़ेगा। ये इसका डिजिटल काउंटर ये ज़ीरो हो गया है। अब हम इस पे इनकोडर के वायर लगाएंगे। अब इनकोडर के वायर लगाने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें पहले देखना है कि इनकोडर का वायर किस पे लगेगा। यहाँ हमने सबसे पहले तो इनकोडर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर हैं वो कौन से पॉइंट पे लगेंगे वो देखना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पॉइंट नंबर एट ये 12 वोल्ट प्लस यहाँ पर लगेगा, और पिन नंबर 12 0 वोल्ट यहाँ पर लगेगा। हम देख लेते हैं पिन नंबर एट और पिन नंबर 12 को। यहाँ देख सकते हैं पिन नंबर एट पर हम प्लस का वायर लगाएंगे इनकोडर का, और पिन नंबर 12 पर हम इसके 0 वोल्ट का माइनस का वायर लगाएंगे। अब हम ये वायर लगा लेते हैं पहले। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे पिन नंबर 8 पे इनकोडर के प्लस के वायर को लगा दिया, पिन नंबर 12 पे माइनस का वायर लगा दिया। यहाँ पे इनकोडर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू ये 0 वोल्ट माइनस का वायर है, और ब्राउन ये 5 to 24 वोल्ट ये हमारा प्लस का वायर है। अब इसमें ख्याल रखना ये ज़रूरी है कि ये हमें जो काउंटर है ये आउटपुट 12 वोल्ट देगा, इस पर 5 वोल्ट का इनकोडर वर्क नहीं करेगा। तो 5 वोल्ट के इनकोडर के लिए हमें काउंटर दूसरा लेना पड़ेगा। तो ये 12 वोल्ट पर वर्क करेगा, ये चूँकि 5 से 24 वोल्ट तक ऑपरेट होता है, तो इसलिए हम इसको 5 से 24 वोल्ट दे सकते हैं, यानी 12 वोल्ट भी हम इसको दे सकते हैं और इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। और अब हम इसके पल्सेस को चेक करेंगे कि हमारे पास AB Z तीन वायर हैं हमारे पास पल्स के, ब्लैक वाइट और ऑरेंज। जेड पल्स आपको मालूम है कि एक राउंड पूरा होने पर एक पल्स देता है, और ए और बी ये कंटिन्यूस पल्स देते हैं जितने पल्स का हमारा इनकोडर है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो इनकोडर है इसके रेजोल्यूशन 1000 है, या किसी पर नहीं भी लिखा हो तो हम उसके रेजोल्यूशन मालूम कर सकते हैं पल्स के ज़रिए से, पल्स के वायर के ज़रिए से। अब हम हमारा जो पिन वायर नंबर ए है ये ब्लैक है। अब हम ब्लैक को यहाँ इसके पल्स पर लगाएंगे। अब इसके पल्स कहाँ पर है ये हमें देखने के लिए दोबारा डायग्राम देखनी पड़ेगी। यहाँ पर पिन नंबर 9 जो है ए इन, ये हमारा पल्स का वायर है, और यहाँ पर हम पल्स का वायर लगाएंगे तो हमें ये पल्सेस शो करवाएगा। तो पिन नंबर 9 पर हम हमारे पल्स की ए वायर को लगा लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये वाइट वाइट जो है ये पॉइंट नंबर ए था, और यहाँ हमने पिन नंबर 9 पर इसको लगा लिया, जैसा कि यहाँ पर मौजूद है। इस पर हम पल्सेस देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कितने पल्स का ये काउंटर है हमारा, ये इनकोडर कितने पल्स का और काउंटर हमें शो करवा देगा। हमने पल्स काउंटर को ऑन कर लिया है। अब हम अपने जो इनकोडर है उसको हम एक राउंड देते हैं और देखते हैं कि कितने पल्सेस ये शो करता है। तो यहाँ हम कोई निशानी के तौर पे कोई चीज़ लगाएंगे, तो निशानी के तौर पे हम कोई चीज़ लगाएंगे तो फिर उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम जो है ना एक पल्स को काउंट कर सकते हैं।
हमने निशानी के लिए इस पर टेप लगाकर इस पर निशान लगाया है। अब हम पूरा एक राउंड इसको मूव करते हैं और पल्सेस वहाँ से काउंट होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें तकरीबन ये 1002 पल्स दे रहा है, तो मीन्स के बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है। तो यहाँ पर ये 1000 पल्स का इनकोडर है हमारा, और ये फ़र्क ये यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट का है, बाकी 1000 पल्स का ही इनकोडर है हमारा। इसमें हम थोड़ा बहुत ऊपर हो तो हम अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पल्स कितने राउंड। नॉर्मल इनकोडर 1000 पल्स का आता है, 1024 का आता है, इसी तरह 2000 पल्स का आता है, और इसी तरह 2500 पल्स का आता है, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो ए वाला जो वायर है ये हमारा चेक हो गया है कि 1000 एक राउंड पे 1000 पल्स हमारा ये दे रहा है। अब हम बी को चेक करेंगे, बी के वायर को ए का वायर निकालेंगे और बी का वायर हम पहले हमने वाइट लगाया, सॉरी, तो वाइट जो है ये बी का वायर था, अब हम ब्लैक लगाएंगे, ये ए का वायर है, तो अब हम ए को चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर वाइट की जगह ब्लैक वायर को यूज़ कर लिया है। अब ब्लैक वायर पर हम देखेंगे कितने पल्सेस ये शो करवा रहा है। अब हम इसको ऑन करते हैं, देखिए हमारा ये ऑन हो चुका। अब हम इसको एक राउंड दोबारा मूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट राउंड हुआ, तो ये हमारा 2000 पल्स यानी दूसरे टर्मिनल पर भी हमारे 1000 पल्स काउंट हो गया। अब हम तीसरा जो जेड फेज है उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमने जेड वायर ऑरेंज वायर को लगा दिया है, अब हम इसको ऑन करते हैं ताकि हमें मालूम हो कि एक राउंड पे कितने पल्स ये शो करवाएं। अब ये 2000 पल्स हमारे, अब हम पूरा राउंड इसका करते हैं कम्प्लीट और देखते हैं कि कितने पल्स शो करवाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसने एक पल्स पूरे राउंड के ऊपर एक पल्स को शो करवाया, मींस के जेड जो हमारा है ये एक राउंड पे एक पल्स देता है। तो ये नॉर्मल इनकोडर चेक करने का तरीका है।